दोस्तों टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे विंडो 10 प्रो है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो इसकी रिक्वेस्ट हमारे चैनल पर दिनेश प्रजापत ने की है, तो उनकी कमेंट के आधार पर हम लोग क्या एक नया वीडियो बना रहे हैं जिससे विंडो 10 है वो कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैंने विंडो 10 इसके अंदर पहले से ही ब्यूटेबल कर रखी है। यदि आपको ब्यूटेबल करना नहीं आता है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उससे आप जाके सीख सकते हो कि मैंने इसको ब्यूटेबल कैसे किया है, फिर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और पहले से ही आपके पास ब्यूटेबल बना हुआ है तो और भी अच्छी बात है। आपको डायरेक्ट क्या करना है जो मैं आपको बताऊंगा वो करना है। और एक विशेष बात का ध्यान रखो, आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, नए यूट्यूबर हैं। चलिए तो अब सीखते हैं विंडो 10 है वो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर पावर बटन है वो ऑन करना है। मैंने इसमें ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हमें F12 है वो दबाना है। आप F12 दबाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, तब CD से कर रहे हो तब तो CD आएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं USB से कर रहे हैं। मेरा मेमोरी कार्ड है इसलिए मेमोरी बता रहा है, आप पेनड्राइव लगाओगे तो पेनड्राइव बताएगा। फिर आपको करना क्या है, इंटर है वो दबाना है। जहाँ करना क्या है, मेमोरी कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक आने के बाद में जस्ट आपको क्या करना है, इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाओगे तो विंडो है वो इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कोई भी एनी की दबाओगे तो विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। हमने ब्यूटेबल को एनी की दबा के स्टार्ट किया तो विंडो स्टार्ट करते ही सबसे पहले ऐसे आएगा, और ये जनरेशन 2 वाला है विंडो 10 प्रो। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ध्यान से देख लेना, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आ जाएगा आपके पास विंडो इंस्टॉलेशन, तब इस पर भी आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में सेटअप है इज स्टार्टिंग, यानी जो कंप्यूटर विंडो 10 का सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, एक तो आता है STD, एक आता है KMS। KMS उन लोगों के लिए है जो इथिकल हैकिंग का काम करते हैं उनके लिए, और हम लोग जो नॉर्मल ऑफिशियल वगैरह के लिए काम करते हैं उनके लिए STD ही काफ़ी होता है। और ये 32 बिट के अंदर है, 64 बिट के अंदर है, 32 बिट का अलग आता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तब एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म कंडीशन जो आती है विंडो की, वो टर्म कंडीशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और आप चाहो तो उन जितनी भी कंडीशन वगैरह है उनको आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडो को फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और विंडो आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कस्टम इंस्टॉलेशन के अंदर करना है, क्लिक करना है कस्टम के अंदर। जैसे आप क्लिक करोगे विंडो आगे बढ़ जाएगा। एक जहां पे विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो विंडो हमारे लैपटॉप में पहले से चढ़ा हुआ है C ड्राइव के अंदर, उसको हमें फॉर्मेट करना होता है। यदि आप फॉर्मेट नहीं करोगे तो जो आपका पहला विंडो है वो उसके अंदर रहेगा और उसमें एक विंडो और चढ़ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाला विंडो है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले विंडो को फॉर्मेट करेंगे। तो मैं यहाँ से जो पहले विंडो चढ़ा हुआ है उसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो ओके कर दिया। तो जो पहले विंडो चढ़ा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और इस C के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर जितना भी टाइम ले, यहाँ पे पूरे 100% आएगा तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की प्रोसेसर पर कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेस कितनी स्पीड है, उसके आधार पे ये फटाफट हो जाएगा। तो मेरे कंप्यूटर में जितना भी टाइम लेगा, इतना बड़ा वीडियो बना के तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो इसीलिए जहाँ से यहाँ से कंप्लीट होगा उसके बाद आगे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी 16% 17% हो चुका है, तो जितना भी टाइम लेता है उस टाइम के पीरियड के अंदर आपको आगे भी दिखा देंगे कितना टाइम ले रहा है और आगे क्या प्रोसेस है वो भी बता देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी 65% हुआ है तो थोड़ा बहुत टाइम और लेगा, कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही विंडो पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा आगे जो भी स्टेप आएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप आराम से देखिए। जैसे यहाँ फिनिशिंग अप पर ऊपर आएगा, अप पे
तब आप लोग विंडो है वो पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो भी आपको बता देंगे। ये जैसे ही 7 सेकंड या 8 सेकंड का टाइम लेगा ले लेगा, उससे पहले करना चाहते हो तो आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना। ये विंडो पूरा हो गया, विंडो की जो ओपनिंग आ रही है वो ओपन हो रहा है विंडो। तो आगे जो भी नेक्स्ट लेवल आता है उसमें आपको बताता हूँ क्या करना होगा। अब आया गेटिंग डिवाइस रेडी, तो जो डिवाइस है अपने लैपटॉप के अंदर वो तैयार हो रहे हैं दोस्तों। आगे जो लेवल आएगा उसमें आएगा सी विंडो सिस्टम 32 के अंदर जो डिम्स आइटम्स होते हैं वो पूरा इंस्टॉलेशन होगा, यहाँ पे पूरा 100% होगा। तो 100% होने के बाद जो लेवल आगे आएगा वो भी मैं बता दूंगा आगे आपको क्या करना होगा। इसको पूरा पहले कंप्लीट होने दें दोस्तों। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट लेवल है वो आप अपने हिसाब से कस्टम करना चाहते हो तो कस्टम कर लेना, और यूज एक्सप्रेस सेटिंग करना चाहते हो तो यूज एक्सप्रेस सेटिंग कर लेना। तो मैं यूज एक्सप्रेस सेटिंग कर रहा हूँ, वो आपके हिसाब से करना है। फिर जस्ट ए मोमेंट के बाद आपका है विंडो ओपन हो जाएगा, तो वेट करिए। तो अब क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट फॉर दिस पीसी। तो कंप्यूटर के लिए आप जो अकाउंट जिसका जो भी नाम देना चाहते हो वो आप अपना नाम दे सकते हो। जैसे मैंने नाम दे दिया है सत्यपाल शर्मा, मैंने अपना नाम दिया है। आप अपना नाम जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, जो भी आपका आपको अपना नाम देना है। अब उसके नीचे दिया गया है इंटर पासवर्ड, तो आप जो भी अपने पीसी के अंदर पासवर्ड देना चाहते हो तो पासवर्ड दे देना। और पासवर्ड हिंट, यानी आप ऐसा कोई हिंट दे दो जिसकी वजह से आपको पासवर्ड भूल जाओ और उस हिंट की वजह से आपको याद आ जाए, तो भी आप ये कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मेरे जो कोटना है वो भी अपने जैसे गूगल है एलेक्सा है उसकी जैसे है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ पे कर देना, नोट नाउ पे करना चाहो तो नोट पे कर देना। तो मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नोट नाउ पे कर रहा हूँ। क्या है, गेटिंग थिंकिंग रेडी, प्लीज़ डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यानी आपके अपने कंप्यूटर को है वो बंद नहीं करना है, ऑफ नहीं करना है, चालू रखना है। और आगे जो लेवल आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये विंडो है वो इंस्टॉलेशन आपके कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों विंडो इंस्टॉलेशन करना हम लोगों ने सीख लिया है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसे दिनेश प्रजापत का नाम दिया गया है वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम देगा, यदि आप टॉपिक बताओगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पीसी के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा।